हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ सत्यम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फोटो एडिटिंग करना, तो दोस्तों फोटो एडिटिंग करना बहुत ही आसान है। आप भी बहुत ही आसानी से फोटो को एडिट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप फोटो एक मिनट में एडिट कर देंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपका फोटो रहेगा और इस तरीके में बदल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फोटो एडिट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है। फिर प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर सर्च करना है फेस ट्यून। इस ऐप को आपको फोन में इंस्टॉल कर लेना है। फिर फेस ट्यून ऐप को फोन में डाउनलोड करके उसे ओपन कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है ट्राई ए डेमो, चलिए डेमो ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वाइटेल लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं। इस टूल का यूज़ है, हम पीले दांतों को वाइट कर सकते हैं। तो इसे चलिए जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें ये फिंगर को इस दांत पे ऐसे ही रफ करना होगा, उससे दांत वाइट हो जाएगा। देख सकते हैं वाइट हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ओल्ड फोटो से नए फोटो को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे एक गोल सा स्काई कलर का बटन दिया है, उस पर क्लिक करके आप कंपेयर कर सकते हैं ओल्ड फोटो को न्यू फोटो से। दोस्तों, जो नेक्स्ट टूल है, इससे हम अपनी स्किन को स्मूथ कर सकते हैं। तो चलिए जूम कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपको अपने फिंगर को स्किन पे रब करना है। आप देख सकते हैं स्मूथ हो रहा है स्किन। दोस्तों, अगर कहीं पे गलती से स्किन स्मूथ नहीं करना है आपको, गलती से हो गया है, तो यहाँ पे इरेजर का बटन दिया है, इसे आप इरेज भी कर सकते हैं। स्किन स्मूथ करने के बाद यहाँ पे ऊपर में टिक का बटन दिया है, टिक पर क्लिक कर दीजिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है, इससे हम किसी भी फोटो के पार्ट को डिटेल में कर सकते हैं। इसे भी पिछले टूल की तरह फेस पे अपने फिंगर को रफ करना है, जहाँ पे हमें डिटेल करना है। फिर डिटेल करने के बाद हमें टिक बटन पे यहाँ पे ऊपर में दिया है, क्लिक कर देना है। दोस्तों, जो नेक्स्ट टूल है, इसका नाम है पिच। सिंपली जैसे आपके फेस पे पिंपल या फिर कुछ हो, उससे उसको आप हटा सकते हैं। तो चलिए जूम कर लेते हैं फोटो को। फिर यहाँ पे ब्लैक कलर का, इस पर क्लिक कीजिए। फिर जिधर एरो बना है उसे ना घुमाइएगा, एक और है उसको घुमा दीजिए, जिधर का स्क्रीन लगाना चाहते हैं। फिर उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, इसके पास एक और है, टोन है, आप टोन खुद से कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे रेड आई दिया है, इस पर क्लिक करते हैं, इसे करते हैं, इसे सिंपली आप आई के कलर को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, तो आपको आई पे क्लिक कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आई के कलर को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए इसे फेड कर लेते हैं आई में। फिर अप्लाई पे भी क्लिक कर देना है करके। फिर इसके बाद टिक पे क्लिक कर, चलिए कर लेते हैं। फिर इसके बाद एक और टूल है, उसका नाम है डी फोकस। देखिए यहाँ पे रेड आई के बगल में डी फोकस, इससे आप बैकग्राउंड को ब्लूअर कर सकते हैं, ये आप खुद से कर सकते हैं। चलिए एक और टूल है, उसे दिखलाते हैं, इसका नाम है फिल्टर। चलिए फिल्टर पर क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर लाइटिंग लिखा है, इस पर क्लिक किया जाए। फिर इसके बाद यहाँ पर कोई भी आप फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं।
फिर उसके बाद आपको अगर ये फिल्टर थोड़ा सा कम करना है तो आपको लेफ्ट की तरफ अपने हाथ को स्क्रीन पे खींचना होगा, फिर फिल्टर कम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं पहले फ़ोटो कैसा था और अब फ़ोटो कैसा हो गया। फिर फ़ोटो को फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे शेयर का बटन दिए क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे सेव फ़ोटो आया है उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर फ़ोटो फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।